इसी कड़ी में चरोदा बस स्टैंड स्थित कालीबाड़ी में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर काली मंदिर के समितियों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके तैलचित्र पर विधिवत पूजा अर्चना कर शामिल सभी सदस्यों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसे लेकर मंदिर समिति के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक थे जिनको वन मैन आर्मी कहा जाता था, शेर थे। उनके एक आवाज में करोड़ों की संख्या में नौजवान, उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दो का मतलब एक बोतल फूल दो नहीं, खून दो मतलब अपने प्राणों के निछावर कर दो। इस भावना को लेकर के लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे आते थे। वो सिर्फ एक ऐसे नायक थे सुभाष चंद्र बोस जी जिनके आवाज़ पे गांव का गांव पीछे लग जाता था स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए। ऐसे महानायक के जन्म, उसको जन्म देने वाली उस माता को प्रणाम, उसको संस्कार देने वाले उस पिता को प्रणाम। सुभाष चंद्र बोस जैसा नेतृत्व इसके बाद हमारे देश को कब मिलेगा ये पता नहीं। कालीबाड़ी चरोदा में 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई गई। सभी जानते हैं कि वो महानायक हैं, उनका एक ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उन्होंने अपने प्रयास से आज़ादी दिलाई। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि उस आज़ादी को हम बरकरार रखें और उस महान नायक के इस जयंती में जो भी शरीक हुए हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करते हैं कि जैसे अन्य त्योहारों में छुट्टी दी जाती है, वैसे ही महान नायक के या तो पुण्यतिथि में या तो जयंती में एक दिन का छुट्टी, शासकीय छुट्टी घोषित करना चाहिए। धन्यवाद। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगर कई वीरों के नाम सुने होंगे उसमें से एक महान वीर भारत के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा प्रांत में हुआ था। वहाँ से फिर उन्होंने कलकत्ता की ओर कूच किए, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की आशुतोष कॉलेज में। उसके पश्चात स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। शुरू में उन राष्ट्रीय कांग्रेस में सदस्य थे, राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के पश्चात अपना खुद का एक दल बनाया, आज़ाद हिंद फौज बनाया, जो हम उस तत्कालीन जो पूरे भारत में पूरे विश्व में जो बड़े बड़े राजनेता हुआ करते थे उनके साथ अपना गठजोड़ बनाया, भारत का ताकत वहाँ तक पहुँचाया और एक विशाल आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। उस आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। 18 अगस्त 1945 में अज्ञातवास हो गए, लेकिन हम उन्हें आजीवन याद करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन्हें नमन करेगी, क्योंकि उन्होंने जो एक स्वाभिमान की जो ताकत होती है वो हमारे भारतीयों के बीच में जगाया था। उनकी जयंती यहाँ पर आयोजन किए हैं और इस जयंती में जो भी शामिल हुए हैं मैं उन सबको बधाई, हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम ऐसे वीरों को अगर भूल जाएंगे तो हमारा जीवन निरर्थक है। हमें ऐसे हमारे जो आदर्श हैं इनको हमारे बच्चों तक पहुंचाना है और ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने बच्चों तक ऐसे आदर्शों को पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।